भगवान शनिदेव को एक बार मिला था श्राप, इसलिए जिस भी व्यक्ति पर शनिदेव की दृष्टि पड़ती है वह तबाह हो जाता है। आज हम जानेंगे शनिदेव को यह श्राप किसने और क्यों दिया था। शनिदेव को धर्मराज कहा जाता है। लोगों को उनके कर्मों के अनुसार शनिदेव का शुभ अशुभ फल मिलता है। यही कारण है कि हर व्यक्ति चाहता है कि उसकी कुंडली में शनि की स्थिति ठीक रहे और उसे शनि दोष से पीड़ित न होना पड़े। सूर्य देव के पुत्र भगवान शनि देव को न्याय और कर्मों का देवता माना जाता है। शनि ग्रह अशांत हो जाएं तो जीवन में कष्टों का आगमन शुरू हो जाता है, क्योंकि इनको काफी गुस्सैल ग्रह बताया गया है। शनि किसी के भी जीवन में उथल पुथल मचा सकते हैं। नवग्रहों में शनि देव केवल उन्हीं लोगों को परेशान करते हैं जिनके कर्म अच्छे नहीं होते। जिन लोगों पर भगवान शनिदेव मेहरबान होते हैं उसे धन धान्य से परिपूर्ण कर देते हैं। ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक शनिदेव एक ही राशि में 30 दिनों तक रहते हैं। हम शनि की पूजा करते हैं, शनिदेव के बारे में तो बहुत सी बातें कही और सुनी जाती हैं, लेकिन शनिदेव की पत्नी के बारे में बहुत कुछ नहीं कहा जाता है। क्या आपको पता है कि शनिदेव की पत्नी कौन थी और किस तरह से उनका विवाह हुआ था? धार्मिक मान्यता के अनुसार शनिवार का दिन उनको प्रसन्न करने के लिए विशेष महत्व रखता है। ऐसी भी मान्यता है कि अगर शनिवार के दिन शनि देव के साथ ही उनकी 8 पत्नियों के नाम का जाप कर लें तो जीवन के बड़े से बड़े संकट भी टल जाते हैं। धर्मशास्त्रों में कहा गया है कि जो भी व्यक्ति शनिदेव की पत्नियों का नाम जाप करता है उस पर भी शनिदेव अपनी कृपा बरसाते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार शनिदेव की कुल 8 पत्नियां हैं, ध्वजिनी, धामिनी, कंकाली, कलहप्रिया, कंटकी, तुरंगी, महिषी और अजा। शनिदेव को उनकी पत्नी धामिनी ने ही श्राप दिया था। धामिनी एक गंधर्व थी। आज तक इस श्राप ने शनिदेव का पीछा नहीं छोड़ा, जिसके कारण वे सिर झुकाकर चलते हैं। आज हम जानेंगे क्यों शनिदेव को उनकी पत्नी ने श्राप दिया था। वेद पुराणों में भी शनिदेव की कथा का जिक्र मिलता है। ब्रह्म पुराण के अनुसार शनिदेव श्री कृष्ण के बहुत बड़े भक्त थे। वह अपना ज्यादातर समय श्री कृष्ण की उपासना में ही बिताते थे। एक बार की बात है जब शनिदेव की पत्नी को संतान पाने की इच्छा हुई। वह शनिदेव के पास पहुंची, लेकिन शनिदेव कृष्ण भक्ति में रमे हुए थे। पत्नी के कोशिशों के बाद भी शनिदेव का ध्यान भंग नहीं हुआ। बहुत कोशिशों के बाद भी ध्यान भंग न हुआ तो शनिदेव की पत्नी को गुस्सा आ गया और उन्होंने क्रोध में ही शनिदेव को श्राप दे दिया। पत्नी धामिनी ने श्राप देते हुए कहा कि आज के बाद जिस व्यक्ति पर शनिदेव की दृष्टि पड़ेगी वह तबाह हो जाएगा। जब शनिदेव ध्यान से जागे तो उन्हें अपनी भूल का आभास हुआ, पत्नी से क्षमा भी मांगी, लेकिन शनिदेव की पत्नी के पास श्राप को निष्फल करने की कोई शक्ति नहीं थी। इसी घटना के बाद से शनिदेव अपना सिर नीचे करके चलने लगे, जिससे उनकी दृष्टि से किसी का बिना बात के विनाश न हो। अगर आप भगवान शनि के कोप से बचना चाहते हो तो शनिवार को इन बातों का रखें ध्यान। सूर्योदय से पहले उठकर व्रत रखने का संकल्प लें। शनिवार के दिन उनकी प्रतिमा पर काले तिल और तेल को चढ़ाएं। शनिवार को लोहा या लोहे से बनी चीजों को खरीदने से बचें। इस दिन सरसों का तेल भी नहीं खरीदा जाता है। गरीबों और बेसहारा लोगों की मदद करें, इससे शनिदेव खुश होते हैं और अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखते हैं। अगर आप भी शनिदेव के भक्त हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।